नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। आज दोस्तों हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन ये एक सब टॉपिक है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अथवा वसाओं का ऑक्सीकरण का एक टॉपिक है। मतलब आपने पढ़ा होगा वसा या फैट्स, और ये वसा और फैट्स है इसका ऑक्सीकरण करना है। तो पहले हमें समझना होगा कि वसा जो होती है वो किसकी बनी होती है। वसा सामान्यतः इसमें दो मेजर कंपोनेंट होता है, एक तो होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड्स। मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके फैट्स अथवा वसाओं का या लिपिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर ग्लिसरॉल है। हमें अगर वसा का ऑक्सीकरण करना है तो इसमें ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण भी होगा और फैट्स का ऑक्सीकरण भी होगा। मतलब फैट्स मतलब वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स या वसीय अम्ल, वसीय अम्ल इसका अलग से होगा। तो ये अलग टॉपिक है, हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ग्लिसरॉल एक्चुअल में अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट में चेंज होता है, और ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट फाइनली DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें चेंज होता है। और हमें पता है DHAP या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फाइनली ग्लाइकोलाइसिस के चक्र में या ग्लाइकोलाइसिस में जो परिपथ है उसमें ये एंटर हो जाता है। ठीक है, और बाय फाइनली ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पाइरूविक एसिड बनेगा, क्रेब्स चक्र में जाएगा, फिर उसका ATS होगा, इस तरह से ये DHAP वहां पर यूज हो जाएगा। तो ये टॉपिक बड़ा है, हम सिर्फ यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन में फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि एक्चुअल में ग्लिसरॉल का क्या होगा। अब दूसरा इसमें बच क्या रहा है, वसीय अम्ल या फैटी एसिड। देखो वसीय अम्ल की परिभाषा या वसीय अम्ल क्या है इसके बारे में समझने के लिए मेरे YouTube चैनल पे बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखोगे तो फैट्स या लिपिड्स नाम से एक वीडियो होगा, एक नहीं दो तीन वीडियो हैं, उसमें आप देखोगे कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और कौन कौन से सारे, वो सारा का सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। जब तक आपको फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर उसके बारे में पता नहीं होगा तो आगे आपको ये समझ में कम ही आएगा, इसलिए प्लीज़ पहले उस वीडियो को आप देख लेना। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे, फैटी एसिड होते क्या हैं। सिंपल डिफिनेशन है, फैटी एसिड्स कुछ नहीं है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन युक्त क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन चेन युक्त क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। और ये लंबी मतलब कितना हो सकता है, ये मुख्यतः लंबी होते हैं, मतलब जैसे 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, 22 कार्बन, मेनली 16 से 20, 22 तक जो होते हैं ना, 16 से 20 वो ज़्यादा पाए जाते हैं इन नेचर। ठीक है, जैसे 16 में कौन सा है, जैसे अगर मान लो 16 कार्बन है, ये एक ही ग्रुप हो गया, मानो 16 कार्बन है, क्या बोलेंगे इसे हम पामिटिक एसिड। 18 कार्बन है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, कमेंट बॉक्स में डालना आप। 20 कार्बन वाला क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में डालना, मैंने ये क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि आप पहले वीडियो देखना मेरा प्रीवियस जो है फैटी एसिड्स क्या होता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, पामिटिक अम्ल 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये पामिटिक अम्ल है, इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके कार्बन से फर्स्ट कार्बन जो है ये वाला, इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, इससे पहले वाला इसे बोलेंगे बीटा कार्बन, और ये कौन सा है गामा कार्बन, और ऐसे ऐसे ये पीछे वाले होते रहेंगे। बात समझ में आ गई, अल्फा कार्बन कौन है, जो बिल्कुल COOH ग्रुप से अटैच है, उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन। तो जो वसाओं का जो वसाओं में वसीय अम्ल है जिनका ऑक्सीकरण होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का हो गया, इसके बाद फिर अपन एक तो अल्फा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीकरण, और एक कौन सा होता है बीटा ऑक्सीडेशन। ये हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन। अब देखो
ऑक्सीकरण किस कार्बन से शुरू हो रहा है? अगर इस कार्बन से शुरू होगा तो क्या बोलेंगे हम? अल्फा ऑक्सीडेशन। और अगर इस कार्बन से ऑक्सीकरण शुरू होगा तो क्या बोलेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक कार्बन प्रत्येक चक्र में एक कार्बन कम होता जाता है, ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन में दो कार्बन एक साथ कम हो जाएंगे। यहां से ऑक्सीडेशन होगा तो दो कार्बन है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में रिलीज हो जाते हैं। तो अल्फा ऑक्सीडेशन थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, उसमें सिर्फ दो ही स्टेप चलते हैं। एक तो कौन सा होता है? परऑक्सीडेशन, जिससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। दो स्टेप बार बार चलते रहते हैं, हर बार एक कार्बन कम होता जाएगा, अल्फा कार्बन जो है कम होता जाएगा, और ये चक्कर चलता रहेगा जब तक कि ये प्रोसेस वसा का वसीय अम्ल का पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दोनों टॉपिक मैंने अभी छोड़ दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा ऑक्सीडेशन है, ये उच्च पादप जो है उन्हीं में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। मेन जो प्रोसेस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब वसा क्या होती है, ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो फ्लो चार्ट है ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है ताकि अपना टाइम बच जाए, आप इसका एक अच्छा स्नैपशॉट लेके पहले ही समझ जाओ और देख सको कि ठीक है, ढंग से समझ जाओ। आगे देखते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। इस बीटा ऑक्सीडेशन में पांच प्रोसेस या पांच स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है सक्रियण या एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सेकेंड है डिहाइड्रोजनीकरण मीन्स डिहाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड। एंड थर्ड है जलयोजन मतलब हाइड्रेशन। एंड फोर्थ है ऑक्सीडेशन। एंड फिफ्थ है विघटन या क्लीवेज, ठीक है। तो ये पांच स्टेप है, इन पांच स्टेप के द्वारा फैटी एसिड्स का बीटा पोजीशन से ऑक्सीडेशन होता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये एक वसीय अम्ल है, मान लो ये पामिटिक एसिड है या कोई दूसरा कार्बन 18 कार्बन वाला है, 16 कार्बन, कोई भी देखो 20 कार्बन वाला, कोई भी लंबी चेन वाला क्या है, एक फैटी एसिड है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया पामिटिक एसिड का, बात समझ में आ रही है। इस पामिटिक एसिड का सबसे पहले एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन कैसे होगा? यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ठीक है, को एंजाइम ए है, ये इसी प्रेजेंस में मतलब एस्टर को एंजाइम ए क्या होगा, इस सी ओ ओएच ग्रुप से जुड़ जाएगा। को एंजाइम ए किससे जुड़ेगा? एंजाइम कौन सा है? थायोकाइनेज। इसकी प्रेजेंस में को एंजाइम ए जो सल्फर युक्त है वो यहां से सी ओ ओएच ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिससे इसका एक्टिवेशन हो जाएगा। एटीपी की जरूरत होगी, एटीपी एएमपी में चेंज होगा, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा? एक सक्रिय वसीय एसिड को एंजाइम ए, इसका नाम क्या है? सबसे पहले क्या बनेगा सक्रियण में? सक्रिय वसीय एसिड कोएंजाइम ए। सेकंड स्टेप क्या है? बी हाइड्रोजनीकरण। बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब सिंपल है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। कहां से हटाएंगे? देखो ये अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एसआई कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन कहां चले जाएंगे? यहाँ पे एफएडी जो है ये इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन या अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण किसका हुआ? ठीक है, यहाँ पे बी हाइड्रोजनीकरण कर दिया मतलब हाइड्रोजन हटा दिया। ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे? एफएडी के पास में। एफएडी का पूरा नाम क्या है? फ्लेविन एडिडीन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एफएडी इसको बन गया, बना क्या प्रोडक्ट क्या बना इसका? ट्रांस बीटा असंतृप्त वसीय एसाइल कोएंजाइम। ट्रांस को बोले क्योंकि इसकी पोजीशन ट्रांस होगी। ट्रांस मतलब देखो ये असंतृप्त वसीय अम्ल है। ट्रांस और सिस दोनों प्रकार के होते हैं, मेन मुख्यतः ट्रांस प्रकार के होते हैं। और इसको पूरी संरचना समझने के लिए संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, मीन सैचुरेट और अनसैचुरेट क्या है, उनको समझने के लिए आपको मैंने क्या कहा, वसीय अम्ल जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसको देखना होगा। अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, ठीक है, समझ लेना। ट्रांस पोजिशन पे है, एक एच ऊपर होगा एक एच नीचे होगा, इसे ट्रांस पोजिशन बोल देंगे। थर्ड स्टेप है जलयोजन या हाइड्रेशन। कौन सा एंजाइम काम आएगा? एनोइल हाइड्रेज एंजाइम। यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी जल का जो ओएच ग्रुप है वो बीटा पोजीशन वाले कार्बन है वहां पे आके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी वसीय एसआई कोएंजाइम। क्योंकि बीटा पोजीशन ये अल्फा थी और ये बीटा है, बीटा पे
OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, तीन स्टेप, पहला सक्रियण, दूसरा डिहाइड्रोजनीकरण, तीसरा जलयोजन, चौथा जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा कि एनएडी है, ये एनएडी प्लस जो होता है ये ऑक्सीडेशन, इसका तो रिडक्शन हो जाता है और ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ से, तो ये कीटो ग्रुप, कीटोन जो है कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और एनएडी प्लस है एनएडीएच में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब जो ओएच ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में चेंज हो गया, तो कीटो नाम आ गया पर बीटा कीटो एसिड एंजाइम है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी था, यहाँ पर बीटा कीटो है, तो कीटो में चेंज हो गया, तो नाम भी आसानी से याद रह जाएगा। लास्ट जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, वो है क्लीवेज या स्प्लिटिंग या विघटन, किसका विघटन, इसका विघटन। ये कौन कितने कार्बन वाला था, 16 कार्बन वाला था, अभी कार्बन रिमूव नहीं हुआ है, 16 कार्बन वाला है, एंजाइम कौन सा है, थायोलेज या बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो बीटा पोजीशन है, ठीक है, उस बीटा पोजीशन से क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वही कोएंजाइम एक ही प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे दो चीज होगी, दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में दो कार्बन होते हैं, तो दो कार्बन युक्त क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बाकी फैटी एसिड कौन सा, यही वसीय एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसका निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा जो बनेगा इसमें कितने कार्बन होंगे, 14 कार्बन। बात समझ में आ रही है, 16 कार्बन वाला था, उससे 14 कार्बन वाला फैटी एसिड बन गया, 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ये 14 कार्बन वाला वापस इसमें प्रवेश कर गया, इसमें बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, फिर 14 के बाद कितने कार्बन हो जाएगा, वापस यहां तक आएगा तो 12 कार्बन, फिर 10 कार्बन, फिर 8 कार्बन, इस तरह से ये प्रोसेस जब तक पूरा फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, और बार 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 क्या बनते जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का पता है आपको कहां जा रहा है, क्रेब साइकिल जा रहा है, क्रेब साइकिल जो होता है या सिट्रिक एसिड साइकिल है, वहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो अटैच होता है ऑक्सलोएसिटिक एसिड से, फिर सिट्रिक एसिड बनता है, सोन चलता रहता है वो, और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद में इसके प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वही NADH का निर्माण इसमें होता है, FADH2 का निर्माण होता है, ATP या GTP का निर्माण होता है, ठीक है, ये तो दो जो ये बने हैं, इनका आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद में यहाँ पे क्या बनता है, ATP का निर्माण होता है, एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH से 2 ATP का निर्माण होता है। ये प्रोसेस समझने के लिए आपको रेस्पिरेशन जो श्वसन है वो पढ़ना होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन है क्या, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।